विराट 11 में कहां दम था, जज्बे से तो दिल जीता, टीम का कहां मन था। जी हां, विराट कोहली जो कि हमेशा अपने जज्बे से पूरी दुनिया का दिल जीत लेते हैं, हर क्रिकेट फैन का मन मोह लेते हैं, चाहे वो टीम इंडिया के लिए खेल रहे हो या आईपीएल में आरसीबी के लिए खेल रहे हो। एक बार फिर उन्होंने केकेआर के खिलाफ खेले गए आईपीएल मैच में अपने जज्बे से हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन वहीं उनकी टीम है आरसीबी, जिनके जज्बे पर अब सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये टीम जीतना ही नहीं चाहती। और इसी का एक बार फिर उदाहरण देखने को मिला केकेआर के खिलाफ मैच में, जहां पर विराट अपनों से ही हारते हुए नजर आए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि टाटा आईपीएल के दौरान आप जीत सकते हैं माई इलेवन सर्कल ऐप पर करोड़ों के इनाम। के लिए टाटा आईपीएल के दौरान माई इलेवन सर्कल ऐप पर मेगा कॉन्टेस्ट, जिसका फर्स्ट प्राइज ही 1 करोड़ रुपए से शुरू है। 1 करोड़ तो सिर्फ शुरुआत है, तो फिर सोचिए कितनी बड़ी बात है। और बात करते हैं विराट कोहली को अपनों से ही मिले धोखे की। जी हाँ, विराट कोहली जो कि बीते 17 सालों से आरसीबी के साथ खेल रहे हैं, इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि पूरे आईपीएल के 17 सीजन में एक ही टीम के साथ में खेलते रहे हैं। 9 सीजन तक इस टीम की कप्तानी भी की है। भले ही खिताब ना जिता पाए हो, लेकिन उन्होंने आरसीबी को चैंपियन बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। आईपीएल 17 में भी विराट कोहली कुछ वैसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनकी टीम है जो कि लग रहा है कि सिर्फ खेलने के लिए आती है, जीतने की उम्मीद लेकर नहीं आती या जीतने की कोशिश करने से डरती हुई नजर आती है। खासकर गेंदबाज जो कि आईपीएल में एक कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजों को एक मुश्किल चुनौती देना या फिर बल्लेबाजों की मेहनत पर पानी फेरना इस टीम का एक काम बन चुका है, आदत बन चुकी है। और वैसा ही केकेआर के खिलाफ भी देखने को मिला। अब कह सकते हैं कि आरसीबी की गेंदबाजी कमजोर है, लेकिन जिस टीम के अंदर मोहम्मद सिराज वर्ल्ड कप खेल चुके हो, जिस टीम के अंदर लॉकी फर्गुसन जैसा दुनिया का सबसे तेज मौजूदा तेज गेंदबाज हो, क्या उसे आप बिल्कुल कमजोर गेंदबाजी कह सकते हैं? जिस टीम के पास कैमरून ग्रीन जैसा ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ऑलराउंडर हो, क्या वो टीम कमजोर कही जा सकती है? यकीनन नहीं, कम से कम कुछ प्रदर्शन तो इस टीम को करना चाहिए ना। लेकिन हुआ क्या, केकेआर के खिलाफ एक बार फिर स्कोरबोर्ड पर आरसीबी के गेंदबाजों ने 222 रन लुटा दिए। और ये पहला मौका नहीं था आरसीबी में, अगर इस सीजन के प्रदर्शन आरसीबी के इस सीजन के प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो ऐसे कई मौके हुए। मैं एक बार सिलसिलेवार ढंग से आपको आईपीएल के जो तमाम केकेआर के मुकाबले से पहले आरसीबी के मैचेस रहे हैं उनके स्कोर कार्ड दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखिए इस स्कोर कार्ड को। अब आप यहां पर पिछले मैच को देख लीजिए। पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आरसीबी के गेंदबाजों ने 287 रन लुटा दिए। मुंबई इंडियंस के खिलाफ आरसीबी ने इससे पहले 11 अप्रैल को 199 रन लुटाए थे। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला था, जहां पर राजस्थान से 179 रन आरसीबी के गेंदबाजों ने खा लिए थे। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 181, केकेआर के खिलाफ 29 मार्च को खेले गए मुकाबले में भी आरसीबी के गेंदबाजों ने 186 रन खाए थे। पंजाब किंग्स के खिलाफ भी आरसीबी की गेंदबाजी काफी महंगी साबित हुई थी। हालांकि ये मुकाबला आरसीबी ने जीता था, लेकिन उस मैच में भी 176 रन आरसीबी के गेंदबाजों ने लुटा दिए थे। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जहां पर 176 रन आरसीबी के गेंदबाजों ने लुटाए थे। तो देखा जाए तो आरसीबी की जो गेंदबाजी है वो आईपीएल के सीजन 17 में कमजोर कड़ी साबित हो रही है। बल्लेबाज चाहे कितने भी रन बना रहे, ना तो स्कोर डिफेंड किया जा सकता है, और अगर आप पहले ही विपक्षी टीम को इतना बड़ा स्कोर बनाने का मौका दे देंगे तो बल्लेबाज दबाव में उस टारगेट को कैसे चेज करेंगे। अब इसके पीछे चाहे टीम मैनेजमेंट की उस सोच को जिम्मेदार माना जाए जो ऑक्शन टेबल पर गलत गेंदबाजों को चुनने के लिए फैसला लेती हुई नजर आए, या फिर गेंदबाजों के आत्मविश्वास की कमी की बात की जाए, टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसी की बात की जाए, या फिर टीम के जो सपोर्ट स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ है, उनकी कमी की बात की जाए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो मैदान पर उतरने वाले खिलाड़ी हैं उनकी कमी यहां पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि केकेआर के खिलाफ भी मैच में ऐसा ही देखने को मिला। केकेआर के अगर आप पहली पारी के पूरे स्कोर कार्ड को देखें तो इस पूरी पारी में श्रेयस अय्यर के अर्धशतक के अलावा और किसी भी खिलाड़ी ने अर्धशतक नहीं बनाया। जो सेकंड टॉप स्कोर था वो फिल सॉल्ट का था, उन्होंने 48 रन बनाए, लेकिन टीम के हर खिलाड़ी ने तेज तरार पालियां खेली और नतीजा ये रहा कि 222 रनों का एक बड़ा स्कोर यहां पर केकेआर बनाने में कामयाब रही और इसका खामियाजा आरसीबी को एक बार फिर उठाना पड़ा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आरसीबी के लिए कमजोर कड़ी उसके गेंदबाज ही रहे हैं। आईपीएल के अंदर सीजन 17 का जो सफर है इसीलिए काफी खराब बीता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है, अपनी राय मसला जरूर साझा कीजिएगा।